हमने यही बात कही थी कि दो हमारे डिमांड्स हैं, एक तो इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर जो है पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस है तो उनको घर वालों को सामने आकर देने चाहिए कि ताकि अगर उनके पास कोई सच्चाई है तो घर वालों को भी पता चले, क्योंकि घर वाले बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ह्यूमन शील्ड बनाई गई थी और ह्यूमन शील्ड का दावा करना यह बहुत बड़ी बात है। उनकी जो है जितनी भी चीजें हैं उन पर जो है तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी हमारी ये डिमांड है, बार बार हम ये कहते हैं कि बॉडीज जो है ये प्रॉपर्टी है घर वालों की और प्रॉपर्टी जो घर वालों की प्रॉपर्टी है बॉडीज घर वालों को हैंडल करनी चाहिए। दुनिया भर में हमने कहीं पर भी ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा, कोई ऐसा आईन नहीं देखा, कानून नहीं देखा जो बॉडीज जो है घर वालों को हैंड ओवर नहीं करती। जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की बात करते हैं, बार बार फैमिली ये कहती है कि 5 या 10 लोग जो है वो फुनरल में रहेंगे, खाली हमारा मकसद इतना कि बॉडी जो है वो हमारे जो ग्रेवी यार्ड है वहां पर जो है दफन की जाए ताकि उसके बाद जब भी घर वाले चाहें वो जाकर वहां जो भी उनके घर वाले हैं उनको याद कर सकें, जो भी उनकी जान गई है उनको जहां पर जाकर जो है देख सकें, उनकी कब्र पे जाकर बैठ सकें। और बार बार हम ये बात कहते हैं कि इन केसों की जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम अपनी सोसाइटी में पीस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते।